ये कहानी है भारत के सबसे चहेते राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की, जब 1980 में भारत ने पहली बार सफलतापूर्वक अपना SLV-3 रॉकेट लॉन्च किया। उसके बाद डॉक्टर कलाम को ये बात समझ में आई कि जब मैं सफल बनूंगा तो सारा क्रेडिट अपनी टीम को दूंगा और जब मैं असफल हो जाऊंगा तो सारा क्रेडिट अपने ऊपर ले लूंगा। उनके इस विचार से उस समय की भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी इतना ज्यादा प्रभावित हुई कि उन्होंने उन्हें अपने ऑफिस मिलने के लिए बुलाया, जिसके बाद कलाम सर प्रधानमंत्री ऑफिस पहुंचे और उनसे मिले। फिर उसके कुछ साल बाद अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। वो डॉक्टर कलाम को बार बार फोन करते हैं, मगर डॉक्टर कलाम उस वक्त बच्चों को पढ़ा रही होती हैं, जिसकी वजह से वो उनका फोन नहीं उठा पाते। और जब वो फोन उठाती हैं, तो वाजपेयी जी उन्हें कहते हैं कि आपको कितनी देर से हम फोन कर रहे हैं, मगर आप पता नहीं कहां पर बिजी हो। फिर वाजपेयी जी उन्हें भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए आग्रह करती हैं और इस बार कलाम सर उनकी ये बात मान लेते हैं, जिसके बाद भारत को उसके सबसे चहेते राष्ट्रपति मिलते हैं।